राहुल गांधी ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन, भाजपा पर जमकर साधा निशाना। मनाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, सीएम धामी ने वल्लभ भाई पटेल को दी श्रद्धांजलि। साथ ही कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल आजादी में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। सचिन पायलट का सारा से तलाक, सचिन ने चुनाव में दिए एफिडेविट में लिखा तलाकशुदा। सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस, अशोक चौधरी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। उपेंद्र कुशवाहा ने सरकार पर साधा निशाना, कहा इंडिया गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। विपक्षी नेताओं की तरफ से दावा किया गया कि उनके फोन में सरकार प्रायोजित हैकिंग से जुड़े चेतावनी संदेश आए। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस में कई लोगों को ऐसे संदेश आए हैं, इनमें केसी वेणुगोपाल, सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा शामिल है। भाजपा इस वक्त युवाओं का ध्यान भटकाने की कोशिश में है। राहुल ने कहा, पहले मैं सोचता था कि सरकार में नंबर वन प्रधानमंत्री है, दूसरे पर अडानी और तीसरे पर अमित शाह है, लेकिन ये गलत है। सरकार में नंबर वन अडानी है, पीएम मोदी दूसरे नंबर पर है और अमित शाह तीसरे नंबर पर। राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान की राजनीति हमें समझ आ गई है, अडानी बचकर नहीं निकल सकते। हमने अडानी को ऐसा घेरा है कि वो बचकर नहीं निकल सकते, इसलिए ध्यान भटकाने की राजनीति हो रही है कि देश की निगाह, विपक्ष की निगाह पिंजरे में बैठे हुए तोते की ओर न चली जाए। आप देखिए, पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहाँ पे एप्पल का नोटिस आता है, मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है, देखिए अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है। इसमें लिखा है, एप्पल बिलीव्स यू आर बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स हु आर ट्राइंग टू रिमोटली कॉम्प्रोमाइज द आईफोन एसोसिएटेड विद योर एप्पल आईडी। अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव लिस्ट है, और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अनेक रियासतों को भारत संघ में एकीकृत करने में अहम भूमिका निभाई और भारत की आजादी में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मंगलवार को टोंक विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया, जहां पायलट अभी टोंक सीट से विधायक हैं। सचिन पायलट ने इस बार के हलफनामे में पत्नी सारा पायलट से तलाक का खुलासा किया है। इससे पहले तक दोनों के अलग अलग रहने की खबरें सामने आती थी, लेकिन कभी भी आधिकारिक रूप से तलाक का ऐलान दोनों की ओर से नहीं किया गया था। सचिन ने दोनों बच्चों का जिक्र जरूर किया है, जबकि 2018 के चुनाव में दिए हलफनामे में उन्होंने पत्नी और दोनों बच्चों का जिक्र किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खबर सामने आ रही है कि सचिन पायलट और सारा तलाक हो चुका है। आपको बता दें कि सारा पायलट जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी है। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस भेजे जाने के मामले को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किया। अशोक चौधरी ने कहा कि ये तो पहले से ही सभी जान रहे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा किस तरह से विरोधी पक्ष को परेशान किया जा रहा है और इसमें केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के रवैये के कारण ये परसेप्शन बना है, ऐसे में इस पूरे मामले को उन्होंने अदालत के हवाले छोड़ दिया और कहा कि अब सब कुछ अदालत देख रहा है, वही फैसला करेगा। बार बार तो कहा ही जा रहा है ना, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वेंडेटा दिखता है, जो जो लोग ऑपोजिशन में हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है,
हमको लगता है कि न्यायालय को देखेगा इन सब चीजों को। तो हम तो बोल ही दिए ना कि परसेप्शन तो ये बन ही रहा है ना कहीं पॉलिटिकल विंडेजा है, ये तो परसेप्शन देश में बन ही रहा है ना। इसको हम समझते आने वाले समय में न्यायालय देखेगा, जो लोग जिनको जिनके ऊपर परिस्थितियां बनी है, जो लोग जाएंगे न्यायालय उनको जस्टिस करेगा। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नई शिक्षक बहाली मामले में डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उपेंद्र कुशवाहा ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बिना नाम लिए हुए कहा कि आज जो बिहार के डिप्टी सीएम बने हैं, जो पहले नहीं थे, तब उस समय वो कहा कहते थे कि बिहार में युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और बिहार में डोमिसाइल नीति को लागू किया जाएगा, लेकिन जब सरकार में आ गए तो सब वादे भूल गए और आज युवाओं को रोजगार के लिए भटकना पड़ रहा है और ऐसा लगता है कि सरकार अराजक माहौल में चल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं मिला, जबकि दूसरे प्रदेश के लोगों को बिहार में रोजगार दिया गया। वहीं उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है, इसलिए बिखर रहा है। सरकार ने लगता है जैसे मजाक किया हो नौजवानों के साथ। एक तो पहले से बहुत घोषणा कर रहे थे डिप्टी सीएम, जब डिप्टी सीएम नहीं थे तब, हमारी सरकार आएगी तो डोमिसाइल नीति हम लाएंगे और बिहार के नौजवानों को रोज़गार मिले इसको हम सुनिश्चित करेंगे। अब उनकी सरकार है जो पहले से थोड़ी सुरक्षा भी थी यहाँ के नौजवानों के लिए, उसको भी समाप्त करके ओपन फॉर ऑल कर दिया गया। नतीजा हुआ कि बिहार के नौजवानों की बड़े पैमाने पर हकमारी हो गई और बगल के प्रदेश के लोग यहाँ आकर नौकरी पा रहे हैं। तो यह तो नौजवानों के साथ खिलवाड़ है। और जिस तरह से रिजल्ट आया है, चारों तरफ से इस रिजल्ट के बारे में नौजवानों के मन में, अभ्यर्थियों के मन में परेशानी दिख रही है। अलग अलग तरह की परेशानी है, अलग अलग तरह का कारण है। अब सरकार आनन फानन में कुछ काम करती है तो नतीजा यही होता है। और इतना ही नहीं, जिनको पहले नियुक्ति पत्र दी जा चुकी है, बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी नौकरी में हैं और उनको फिर से नियुक्ति पत्र देकर सरकार दिखावा करना चाहती है कि हमने इतने लोगों को। भाजपा विधानमंडल दल के नेता विजय कुमार सिन्हा ने नई शिक्षक बहाली मामले को नियुक्ति घोटाला बताकर सरकार पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बीएससी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के द्वारा शिक्षक बहाली की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए उसमें कोई गलतियां पाई गई, लेकिन अभी तक उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसे साफ जाहिर होता है कि यह सरकार बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। विजय सिन्हा ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति के नाम पर बड़ा घोटाला किया गया है और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। पूरे नियुक्ति और बिहार के नौजवानों के प्रतिभा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक एक पेपर में 10-10, 10-15 प्रश्न गलत, आंसर भी गलत जारी किया गया। कई प्रश्न में एक प्रश्न तो दिखा रहा था शायद संगीत का कि 31 फरवरी को बीपीएससी में बैठे इसे भ्रष्ट हस्तिनापुर के गुलाम जो इस तरह के प्रश्न सेट किए और 15-15, 10-10 प्रश्नों की गलती, उस पर कार्रवाई मुख्यमंत्री किया चाहिए, उसका संशोधन कर करके उसके मार्क्स को। अभी ईडब्ल्यूसी वाले भी लोग आए हुए थे, ये लोग भी कह रहे कि मेरा जोड़ा नहीं गया, ये क्या तमाशा है। आपत्ति लोग का ले रहे हैं, उसका समाधान किए बिना आप नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, हर हर बड़ी में आप कई गड़बड़ी को आमंत्रित ही नहीं करते हैं, भविष्य के प्रतिभा का हनन भी करते हैं। और ये नियुक्ति घोटाला है, पूरी तरह से बिहार के प्रतिभा के साथ ये छल है। अब नियोजित शिक्षक तमाशा कर दिया अभ्यर्थी का, कभी इसको उठा के यहाँ हाथ उठा क्या कर रहे हैं। इतनी खामी है, इतनी कमी है, उसका बिना समाधान किए नियुक्ति का पत्र बांटना, ये आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।